अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो एरोमेटिसिटी। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, हमने देखा, हमने उसकी एग्जांपल्स देखी भाई कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो बेसिकली हमने कहा था कि एरोमेटिसिटी का जो ताल्लुक है वो स्टेबिलिटी के साथ है, कि जो लफ्ज एरोमेटिक है वो स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अब बिल्कुल इसका उलट है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसको आप एंटी एरोमेटिसिटी कह सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक का मतलब जो होगा अनस्टेबल, किसी कंपाउंड का अनस्टेबल होना, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए दो कंडीशंस एरोमेटिसिटी वाली पूरी होती हैं। एरोमेटिसिटी के लिए हमने तीन कंडीशंस पढ़ी थी कि भाई उसके अंदर प्लेनर रिंग हो, उसके अंदर कंजुगेशन हो, और उसके अंदर हक्कर रूल के मुताबिक मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इनमें से पहली जो ना वो दो कंडीशन को पूरी करते हैं, तीसरी कंडीशन इनमें पूरी नहीं होती। इसको हम देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो होते हैं इवन पेयर में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो एरोमेटिसिटी का मतलब स्टेबिलिटी होता है, जबकि एंटी एरोमेटिसिटी का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो एक तो डेफिनेशन ये होती है कि इनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ये होता है कि वही इवन पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब इनमें इवन पेयर होने से होता क्या है, इवन पेयर आने से ये में ये होता है कि भाई जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना वो या तो मतलब कम्प्लीटली फिल नहीं होते, मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, या ये होता है कि उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल एक देता हूँ, उससे समझाता हूँ कि देखें, ये आपके सामने एक है साइक्लोब्यूटाडाइईन। साइक्लोब्यूटाडाइईन में जो है ना होते हैं हमारे पास ये, इसके अंदर चार पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो इस तरह से लेवल बनते हैं, एनर्जी लेवल, एक लोएस्ट बनता है, एक हाईएस्ट बनता है, और दरमियान में एक पेयर होता है जो कि नॉन बॉन्डिंग का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल चार इलेक्ट्रॉन है, जब उनकी फिलिंग करते हैं तो बॉन्डिंग वाले में तो पेयर्ड है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हुंस रूल के मुताबिक जब मतलब हमने फिलिंग करनी होती है कि अगर एक जैसे एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं और उनकी स्पिन सेम होती है, ठीक है। ये जो स्पिन सेम वाले इलेक्ट्रॉन है ना जिनकी एक जैसी स्पिन होती है, ये अनस्टेबल करते हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है। और अनस्टेबल होने की वजह से इसको हम कहते हैं ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना। इसकी मतलब एरोमेटिसिटी का बिल्कुल उलट है, ये साइक्लोब्यूटाडाइईन का है। एक तो दूसरा तो ये कि इसमें हक्कर रूल अप्लाई नहीं होता, तो हक्कर रूल अप्लाई ना होने से क्या होता है वो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसी तरह साइक्लोपेंटाडाइईनाइल केटाइन है, जो आपने एनाइन तो पढ़ा था, अगर वो केटाइन हो, मसलन उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकलने से ये वाला तो मतलब अवेलेबल हो जाता है पी वाला, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार होने की वजह से इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको जो है वो डिस्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं जी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक और एग्जांपल देखिएगा, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल एनाइन। एक आपने देखा था साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटाइन देखा था, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल जो एनाइन है इसमें भी यही काम होता है कि नॉर्मल जो साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल ईन है वो तो आपको पता है कि उसमें कंजुगेशन नहीं होती, लेकिन जब साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल एनाइन बनता है तो उसके अंदर भी यही काम होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन तो वैसे होते हैं उसमें आठ होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आठ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कंजुगेशन तो होती है, ठीक है। और ये आठ जो होते हैं ये 4n फार्मूले पे पूरा होता था, मतलब n की वैल्यू अगर 2 हो तो आंसर 8 आता है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग करते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में जाते भी किस तरह से हैं कि अनपेयर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से जो होता है ना ये स्टेबल होने की बजाय हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो है ना वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग में होते हैं और पेयर्ड होते हैं। एंटी एरोमेटिक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में नहीं होते, और दूसरी बात वो होते भी अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। जी मनीब सर, आपसे ये पूछना था कि जब हम इसकी MOT या
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम बनाते हैं, जस्ट इसमें पाई इलेक्ट्रॉन को ही डिनोट करते हैं, बाकी को नहीं करते। हाँ हम ना, हम उसका जो ना वो सिग्मा वाले स्ट्रक्चर को नहीं डिस्कस कर रहे, हम सिर्फ पाई बॉन्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का तो पता चल जाता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि नॉन बॉन्डिंग। ये मैंने कल आपको फार्मूला बताया था कि टोटल लेवल्स गिन लें कितने हैं, ठीक है ना, उन टोटल लेवल्स को जो ना वो अगर तो वो इवन है, मतलब जुफ्त है, ठीक है, तो उनमें से आधे एंटी बॉन्डिंग हो गए, आधे एंटी बॉन्डिंग हो गए, नीचे वाले आधे बॉन्डिंग, ऊपर वाले आधे एंटी बॉन्डिंग, लेकिन अगर वो ऑड है, ठीक है, तो उनमें नीचे वाला हाफ बॉन्डिंग, ऊपर वाला हाफ एंटी बॉन्डिंग, दरमियान वाला नॉन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपको जो एग्जांपल मैंने दी थी ये वाली देखें, ठीक है, यहाँ पे तीन लेवल्स हैं, लेवल मतलब ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, ये लेवल थ्री है, ठीक है, तो नीचे वाला जो है वो बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, और दरमियान वाला क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर टोटल चार होते ना ऐसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये ऊपर वाले दो एंटी बॉन्डिंग, नीचे वाले दो बॉन्डिंग होने थे, लेकिन अगर वो पांच हो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो फिर क्या होगा, नीचे वाले दो बॉन्डिंग, ऊपर वाले दो एंटी बॉन्डिंग, और दरमियान वाला क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की तादाद हमेशा सेम होती है, ये हमने MOT का बेसिक रूल है। अच्छा जी मुनीब जी, सर आपसे क्वेश्चन ये करना था कि आप आगे कह रहे थे कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को ना इंक्रीज करते हैं ना डिक्रीज करते हैं। हाँ सर, मगर जो नॉन बॉन्डिंग में पड़े होंगे वो तो ऐसा लॉन पर एक्ट कर रहे होते हैं ना। हाँ वो कह सकते हैं आप, मगर सर जो लॉन पर होता वो स्ट्रक्चर को कह लेके बेंड कर देता, डिस्टेबलाइज कर देता, वो स्टेबल नहीं। देखो ये वाला जो नॉन बॉन्डिंग है ये वो हम सिग्मा वाले के सेंस में नहीं बात कर रहे, हम इसको बात कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक तो अगर तो वो नॉन बॉन्डिंग में पड़ा है और पेयर्ड है तो हमें कोई इतराज नहीं, फिर वो उसको नहीं डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन जब वो नॉन बॉन्डिंग में है और अनपेयर्ड है, ठीक है, फिर वो उसको डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट